बेस्ट और हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए, मतलब मिरेकल। क्या इस चीज को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो चीज वो आपके बाल निकालने के काम आएगी, आपके जो हेयर्स हैं उनको रिमूव करने के काम आएगी? अगर मुझसे पूछोगे ना तो मेरा जवाब तो नहीं होगा, लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। मैंने पहले भी कई सारी चीजें ऐसी ऑर्डर की है जिनको देख के मुझे ये लगता था कि जो चीज है वो अपना काम करेगी, लेकिन दिल तोड़ के चूर चूर करके रख दिया। और तभी से मैं देख के कोई भी चीज को जज नहीं करती, आप लोग भी मत करना, ठीक है? लेकिन जो चीज मैं आज टेस्ट करने वाली हूँ, जिसका रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस चीज को मैं 7 से 8 महीने पहले देख चुकी थी, लेकिन तब देखने में मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बिल्कुल फेक है, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ नहीं करेगी। बट आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको ऑर्डर करो, इसका रिव्यू शेयर करो, इसका रिजल्ट शेयर करो, तो मैंने इसको परचेस कर लिया है और अब वो चीज हमारे साथ इसी महफिल में शामिल है। करवाएंगे, दीदार करवाएंगे आपको इस मैजिकल क्रिस्टल हेयर इरेजर का। बट उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, हेल्दी एंड ग्रोइंग स्किन हम सभी को चाहिए, राइट? और आयुर्वेदा का यूज हम बरसों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन वो हमें सिर्फ और सिर्फ पाउडर या फिर ऑयल के फॉर्मेट में ही मिलता है, जो डेली लाइफ में यूज करना इस हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप वही सारे नेचुरल आयुर्वेदिक के फायदे मॉडर्न स्किन केयर में कैसे उठा सकते हो, जो कि आपको मिलता है सीरम, नाइट जेल, मॉइस्चराइजर एंड मेनी मोर अदर प्रोडक्ट्स में। विंटर्स आ चुके हैं और साथ ही साथ जो स्किन है वो भी ड्राई, फ्लेकी और क्रैक हो चुकी है। कभी आपने सोचा था कि जो कोल्ड क्रीम है वो आयुर्वेदिक भी हो सकती है? Yes, you heard that right. Ayuga आपके लिए लेके आता है all new Ayurvedic cold creams in your favorite Kumkumadi and Chandanam range. तो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ ये Kumkumadi cold cream, जो कि enriched है Ayurvedic ingredients like saffron, lotus extract and 28 precious herb which makes skin soft, radiant and youthful. इसके अंदर है cocoa butter जो कि rich है in natural plant compound which gives you plump and healthy looking skin. ये आपके dark spot pigmentation and dullness को reduce करती है, which is extremely wow. Extremely lightweight है, non greasy है और बहुत ही जल्द skin में penetrate भी हो जाती है। उसके बाद वी हैव दिस चंदनम कोल्ड क्रीम एंड इट हैज रिच आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स लाइक सैंडलवुड, टर्मरिक एंड अदर 26 प्रीशियस हर्ब व्हिच मेक्स स्किन ब्राइट एंड स्पॉटलेस। जेंटली मसाज इन सर्कुलर मोशन, आप इसे अपने फेस के साथ साथ पूरी बॉडी पे भी यूज कर सकते हो। गाइज यू नो इट हेल्प्स ट्रीट चैप्ड लिप्स एज वेल। इसमें है कोको एंड शिया बटर व्हिच मेक्स स्किन सॉफ्ट एंड सपल, लाइट वेट एंड नॉन ग्रीजी है, मेक योर स्किन सॉफ्ट, सपल एंड ब्राइट एंड इज सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। आयुगा के प्रोडक्ट्स टॉक्सिन फ्री है, बाय मेड सेफ एंड क्रुएल्टी फ्री भी है। आयुगा के प्रोडक्ट्स आपको इनकी वेबसाइट Amazon, Nykaa, Flipkart पे इजीली मिल जाएंगे। और अगर आप 20% मोर फ्लैट चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो RONAK20। और सचमुच ये जो चीज है मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगी, बिकॉज जब आप इसको देखोगे ना तो आप खुद बोलोगे यार ये चीज बाल कैसे निकाल सकती है, ये तो जादू हो रहा है, करिश्मा हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, यही सब आपके मुंह से निकलेगा सच्ची। तो वो जो चीज है इस डब्बे के अंदर है और मैं डब्बे को खोल चुकी हूँ और देख चुकी हूँ कि वो कैसी दिखती है, लेकिन अभी तक मैंने उसको यूज नहीं किया है। मैं मतलब एकदम हॉनेस्ट फेस टू फेस वाला रिव्यू देना चाहती थी आप लोग को, इसी के लिए इसको अब तक यूज नहीं किया है। नहीं तो अगर ऐसी कोई भी वायरल और वियर्ड चीज जब मुझे मिलती है ना, मेरे पास आती है, तो मेरे हाथों में खुजली होने लगती है। मैं इसको ऊपर करके खोल के हल्का फुल्का टेस्ट कर ही लेती, देख के ये जो चीज है ना वो बिल्कुल एकदम प्योर है, मैंने इसको अभी तक यूज नहीं की है। तो दीदार करवा ही देते आपको इस चीज का, मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको यूज करने में। ओके, तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है इसका डब्बा। यहाँ पे लिखा हुआ है एपिलेटर पेनलेस हेयर रिमूवल एक्सफोलिएशन। ओके, तो हेयर तो रिमूव होंगे होंगे, साथ ही साथ आपका जो एक्सफोलिएशन है वो भी काम होगा। पीछे कुछ लिखा हुआ है, हाई क्वालिटी क्रिस्टल हेयर इरेजर इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास एंड ABS मटेरियल which smooth surface, safe and reliable, you can use it with confidence. तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। रिमूव हेयर विद जस्ट वन रब, याद रखना कि बस एक ही रब में ही आपके बाल निकालेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वन रब में आपके जो हेयर है वो निकलेंगे, आपको अच्छे से उसको निकालना पड़ेगा घस घस के, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इसको यूज कैसे करेंगे। एप्लीकेशन, अप्लाई टू योर होल बॉडी लाइक आर्म्स, आर्मपिट, बिकिनी लाइन, लेग, बैक, चेस्ट एक्सेट्रा। तो आप इसको हर जगह पे यूज कर सकते हो, अपनी पूरी बॉडी पे, A to Z, जहां पे यूज करना चाहते हो वहां यूज कर सकते हो। ना चमकता है यार ये हाथ में, आगे लगता है कि स्टार आगे बैठ गया हाथ में। वाओ, ये देखो एकदम क्रिस्टल जैसा दिख रहा है, जैसे ही प्रोडक्ट का नाम है ना वैसे ही है भी। ऐसे तो बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन इसके अंदर ना हल्का हल्का सा दरदरापन है, लेकिन आप वो सिर्फ फील कर पाओगे, लेकिन जब आप इसको अपनी आंखों से देखोगे ना तब बोलोगे तो बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ सा दिख रहा है, क्या है इसके अंदर। देखने में सचमुच बहुत क्यूट है, ऐसा लग रहा है कि चुम्मा ले लूं इसको, लेकिन ना लिपस्टिक लग जाएगी यहाँ पे। इसके लिए चुम्मा कैंसिल। तो देखो बात कुछ ऐसी है ना कि जो मेरी हेयर ग्रोथ है ना वो प्रॉपरली भी आई नहीं है, छोटे छोटे से हेयर है यहाँ पे। तो मुझे कोई ऐसा हाथ चाहिए जिसके हाथों में ना भर भर के बाल हो, भर भर के मतलब इतने तो बाल हो कि मतलब वो निकले रब करने के बाद। तो साइमा के ऊपर टेस्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? जब कोई आता है ना कैमरे में तो पहले हाय बोलता है, हाय गाइस,
सही से बैठ। तो इसके जो हाथ है वो बिल्कुल क्लीन फ्रेश प्योर है, आस पक्का है। इसके हाथों पे ना वैक्सिंग नहीं की गई है कभी भी। दिख रही है ना आपको, इसकी हेयर ग्रोथ अच्छी खासी है और इसकी जो स्किन है वो ड्राई भी हो रखी है। तो जो डेड स्किन निकालने का वादा इसने किया है पूरा होना चाहिए, बिकॉज हाथ बिल्कुल ड्राई है तो डेड स्किन सेल्स भी है इसके हाथों में, तो वो भी निकालनी चाहिए। ओके, तुझे लग रहा है काम करेगा? मुझे पॉजिटिव वाइब्स आ रही है और इसको नेगेटिव आ रही है। सर्कुलर मोशन में रब करना है, ठीक है? ओ तेरी की डेड स्किन सेल ना भर भर के निकल रही है सायमा। ओ कुछ तो हो रहा है सच्ची, लग तो नहीं रहा है। ये देखो कितना व्हाइट व्हाइट सा हो गया और ना बाल भी गायब हो गए कहीं कहीं जगह के सच्ची। ये चेक करो कैसी डेड स्किन सेल निकल रही है। अरे बाप रे बाप, नहाती नहीं है क्या? और गाइस कुछ कुछ बाल भी निकले हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल हरी हरी एरिया है और यहाँ पे बाल कम हो गए। गद्दे में से धूल निकल रही है। जुल्फे हवा में उड़े या ना उड़े, इसके जो हाथ के बाल है वो हवा में उड़ रहे हैं। और ये देखो यहाँ से पूरे के पूरे बाल जो है वो गायब हो चुके हैं, मतलब मुझे तो भरोसा ही नहीं आ रहा है। तू बोल रही थी कि नहीं निकलेगा ना, देख निकल गया। यहाँ देखो पूरे के पूरे जो बाल है ना यहाँ के निकल चुके हैं और साथ ही साथ में डेड स्किन सेल भी निकली है, मतलब काफी काम कर रहा है ये प्रोडक्ट। इसके ब्लैक कपड़े पे हर जगह व्हाइट व्हाइट हो गया है, हल्की हल्की सी रेडनेस आ रही है जो कि नॉर्मल है। अगर आप अपने हाथ को बिना किसी चीज के भी ऐसे रगड़ोगे तो रेडनेस आई जाती है, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अपना काम कर रहा है। ये कैसे कर सकता है यार, कि देखो कितना सॉफ्ट सा है और कुछ समझ में नहीं आता। तुझे दिख रहा है कुछ? ऐसा लग रहा है कि निकलेगा ही नहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी ये चीज है वो अपना काम कर रही है। ये जो हेयर ग्रोथ है ये चेक करो और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा काम कर रहा है। लग रहा है कि मैं लकड़ी घस रही हूँ, लकड़ी ऐसे ही हाथ है पतले पतले से। फेयरनेस कैसे आ रही समझ में नहीं आ रहा है। इसके जो हाथ है बिल्कुल व्हाइट अब व्हाइट हो चुके हैं। चेक करो आप ये वाला हाथ, बिल्कुल ऐसे ही ग्रोथ इसमें थी लेकिन ये निकल चुकी है और ये जो प्रोडक्ट है वो अपना काम कर रहा है। सो गाइस इसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। ये जो चीज है काफी सही तरीके से काम कर रही है, काफी अच्छा लगा ये देख के। मतलब कोई भी अगर इसको देखेगा ना तो यही बोलेगा कि ये अपना काम नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं ये ना हल्का हल्का सा ब्राउन पड़ गया बीच में से, यहाँ यहाँ का सही है और यहाँ का ना हल्का सा ब्राउन पड़ गया है ना, दिख रहा है ब्राउन ब्राउन। और ऐसा नहीं है गाइस कि मतलब कोई दूसरा ही आपके बाल ऐसा घस के निकाल सकता है, आप लोग भी निकाल सकते हो। मुझे तो मतलब इसको टेस्ट करना था, देखना था कि कैसे निकल रहा है, इसके लिए मैं इसके हाथ पे कर रही हूँ और ऐसा कोई रीजन नहीं है। और मैं आपको बता दूं ये जो चीज है ना वो वन टाइम यूज के लिए नहीं है, आप इसको बार बार रीयूज कर सकते हो और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। आपको पसंद आई? और यहाँ के भी जो हेयर है वो निकल चुके हैं बहुत हद तक, थोड़े मोड़े बाकी है वो अपने हाथ से निकाल लेना, पार्लर नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। मेरे हाथों में बहुत ही कम ग्रोथ थी जिसकी वजह से शायद इसने अपना काम नहीं किया है, अगर किया भी होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि बहुत ही कम ग्रोथ थी। लेकिन आपने देखा है कि सायमा के हाथों पे मस्त ग्रोथ थी, फुल ग्रोन हेयर थे और इसने अपना काम किया है। और वो जो लाइन में वीडियो की स्टार्टिंग में बोल रही थी कि देख के किसी भी चीज को जज मत करो, तो बिल्कुल सच हो गई। तो गाइस आपने देखा इसका रिव्यू रिजल्ट सब आपके सामने था और बिल्कुल सही लगा मुझे ये प्रोडक्ट क्योंकि इसने अपना काम किया है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो इस वायरल क्रिस्टल हेयर इरेजर पे, वायरल क्रिस्टल हेयर इरेजर पे। और गाइज अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइज़।